सरकार आके इस चीज़ को बिल्कुल भी देख नहीं रही है कि पब्लिक के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज़्यादा फ़र्क ही कॉमन मैन पर पड़ेगा। तुमने अगर डीजल प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज होगी। ये है कि भाई हम भी सोच रहे हैं कि गधा गाड़ी खरीद ले, पेट्रोल का काम खत्म करे, गधा गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है कि पहले मेरा तेल का खर्चा कितना आता था, मेरा बजट हिल चुका है इससे। लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों को लेकर जहां देश की जनता में हाहाकार मचा है, वहीं राजनीतिक दल भी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की मार लोगों को आर्थिक मंदी के रूप में पड़ रही है, तो वहीं पेट्रोल की बढ़ती कीमतें भी आम जन की जेब पर भारी है। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। चंडीगढ़ में अर्थ प्रकाश टीम ने चर्चा में चल रहे पेट्रोल की कीमतों को लेकर अपने कार्यक्रम मुद्दा चर्चा में है के तहत स्थानीय पेट्रोल पंप पर अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते लोगों से इस बारे में बात की। चलिए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट को। मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों पर बीजेपी सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने आए दिन हल्ला बोला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आए दिन रोज़ रैलियां निकाल रही हैं और सरकार पर कहीं ना कहीं फंदा कसने की कोशिश की जा रही है। माय नेम इज़ स्वाति। इस लॉकडाउन के पीरियड में जो सरकार ने पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए हैं, उससे पब्लिक तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर ही रही है। उसके बावजूद अगर वो कहीं पर रुकी हुई है जहां पर बस नहीं चल रही है, कोई ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है, तो वो अगर अपनी व्हीकल से भी जाना चाहे तो पेट्रोल के दाम इतने क्यों, हर तरह से प्रॉब्लम फेस कर रही है। सरकार आके इस चीज़ को बिल्कुल भी देख नहीं रही है कि पब्लिक के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं पर फंसा है, तो पेट्रोल तो एटलीस्ट कम होने चाहिए। जब ट्रांसपोर्ट भी बंद है तो कम से कम अपनी व्हीकल से तो बंदा अपने घर जा सके। मेरा नाम चिरायु भारद्वाज है, मैं करेंटली डीएवी कॉलेज से बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। तो जैसे कि आपने पेट्रोल प्राइसेस की बात करी कि जैसे अगर प्रिवेलिंग प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में सेम थे तो प्राइस राइज की कोई बात ही नहीं बनती थी। मतलब तो बिल्कुल अननेसेसरी है ये प्राइस राइज। और इसका मतलब इफेक्ट तो जैसे अभी कल ही इनके ऑयल मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसका कॉमन मैन पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा फ़र्क ही कॉमन मैन पर पड़ेगा। तुमने अगर डीजल प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज होगी ही, और उसके बाद मतलब जितनी भी सारी गुड्स हैं सब महंगी हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, तो कॉमन मैन पे ही सबसे ज़्यादा फ़र्क है। नहीं, पहले तो ऐसा था कि कांग्रेस के टाइम में तो पेट्रोल सस्ता ही था, ये हल्ला मचाते थे। अब लेकिन देखो, विदेश का जो पेट्रोल आ रहा गैलन है वो कम है, लेकिन जो हमारे देश के सरकार ये सुन नहीं रही है, ये तेल अगर बढ़ गया तो समझ लो सारी चीज़ें बढ़ेगी। डीजल बढ़ा तो समझ लो किराया बढ़ा, किराया बढ़ने से भैया हर चीज़ का ऑटोमेटिक ही सिस्टम बन जाएगा कि वो बढ़ता चला जाएगा महंगाई की तरफ। अब हमारे पास जैसे वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ हैं वो मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं, अब मोटरसाइकिल वाले आ गए वो साइकिलों पे। अब ये है कि भाई हम भी सोच रहे हैं कि गधा गाड़ी खरीद लें, पेट्रोल का काम ख़त्म करें, गधा गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ अपनी कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल का दाम जो ये प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं इसको कम करें। ये आम जनता के लिए तभी सोचा जाएगा, जब तक आप पेट्रोल को और डीजल को कम नहीं करोगे तो ये महंगाई कम नहीं होगी। क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ गया, ट्रांसपोर्ट से उधर से आया है उसका जो लगा चार्ज वो भी चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है जी, किराए बढ़ गए। अब गरीब आदमी पहले 10 रुपये में जाता था, आज वो 20 रुपये में हो गया है। तो अब ये है कि हम सरकार से तो यही कहेंगे कि पेट्रोल के दाम जो है वो कम करें, और ऐसा करें कि जो आम बंदा जो मोटरसाइकिल चलाने वाला भी है कि वो कम से कम अपना 50 या 60 रुपये प्रति लीटर डाल के उसको चला के अपना प्रतिदिन 200, 250, 300, 400 रुपये कमा सके। सर, ये तो एक ना बहुत ज़्यादा मतलब जो आम जनता है, पब्लिक है, मिडिल क्लास वर्ग है, खासकर रिच बंदों के लिए और गरीब बंदों के लिए नहीं है, ये मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत दिक्कत के सामना है। मैं गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ, मुझे पता है कि पहले मेरा तेल का खर्चा कितना आता था, मेरा बजट हिल चुका है इससे। तो ये तो एक सरासर बेईमानी है, मतलब एक थोपा जा रहा हमारे ऊपर। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेट इतना सस्ता मिल रहा है और हमारे पास इतना बढ़ रहा है, पर डे बढ़ रहा है, पिछले 20 दिनों से 14 रुपये बढ़ चुका है, आई थिंक 14 रुपये के आसपास बढ़ चुका है और आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये कोई रुकने वाला नहीं।
तो इस पे मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ इस पे भी पेट्रोल पे बोलें या कुछ इसको रोकें, एक इसका प्राइस सेट कर दें कि इससे अप नहीं होगा और इससे डाउन नहीं होगा, ताकि हम लोग कहीं अपने आप को समझौता कर लें और हमारा जो मिडिल क्लास वालों का सैलरी बजट होता है, जो हमारा प्लानिंग होता है, हम इसको एड कर सकें। देश भर में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार पर जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने देश भर में हल्ला बोला हुआ है, वहीं हमने चंडीगढ़ की जनता से उनकी राय जानी कि बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों पर उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। वहीं जनता ने अपनी राय देते हुए ये भी कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं ये रेट कम करने चाहिए और जो राजस्व इकट्ठा हुआ है उसे जनता की सेवा में लगाना चाहिए। मैं चंडीगढ़ से राहुल तिवारी, कैमरामैन दीपक के साथ, अर्थ प्रकाश न्यूज चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।